नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला। रायबरेली में शिक्षा के मंदिरों में दबंगों की दबंगई दिखी है। वहीं बाउंसरों के साथ तोड़फोड़ का भी मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज में स्थित सुभाष चंद्र बोस स्कूल में आज बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा होनी थी, जहां पूर्व और वर्तमान प्रबंधक के बीच ठनाठनी हो गई, जबकि कमेटी के बीच का बवाल न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान प्रबंधक ने पूर्व प्रबंधक पर जरूरी दस्तावेज फाड़कर फेंकने के साथ विद्यालय में घुसकर लैपटॉप चोरी करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अदनान रजा है, मैं कुंदनगंज में रहता हूँ। ये मेरा विद्यालय में 10th क्लास का विद्यार्थी। विद्यालय का क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। क्या मामला हुआ यहाँ पर? यहाँ पे आए दो तीन बाउंसर थे और दबंग लोग आए यहाँ पे। हमारे रजिस्टर, हम लोग के जो रजिस्टर थे वो फाड़े, और हमारे जो बहनें हमारे साथ पढ़ती उनको मारा, हमारे भाइयों को मारा। फिर उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद फिर सब यहाँ पे कुर्सी उर्सी लेके सब लोगों को मारा, इन लोगों ने जो आए थे यहाँ पे गुंडे ही दिखा रहे थे। अच्छा, प्रिंसिपल के साथ क्या घटना हुई? प्रिंसिपल सर को चप्पल जूता लेकर दौड़ाया सर बाउंसरों ने। यस सर, बाउंसरों ने जो आए थे। आप दादा परिचय जानना चाहूँगा आपका। राम नरेश चौकीदार, कुंदनगंज रायबरेली। क्या हुआ दादा आज? यहाँ सुबह दतून चबा रहे थे, तब संग्राम सिंह आए और वहाँ गेट पे गाड़ी खड़ा कर दे। इसी जगह खड़े थे हम, तो वहाँ से हमसे कहते पसियो चाबी है तुम्हारे पास? तो हम कहें चाबी तो हमारे पास नहीं है। तो छुटकुआ गेट खुला रहा, अपन घुस यहाँ यहाँ। फिर उससे कहें इसकी चाबी, तो यो चिड़ी मशीन का चारा दिया था तो गेट हमारा खुला रहा यो। और यहाँ फिर कहें इसकी चाबी, हम कहें हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद जो है हुआ घुसे, तो हुआ से रजिस्टर पूछते रहे कि अध्यापक रजिस्टर कहाँ रखे, हम कहें हम का जानी कहाँ। फिर उसके बाद लगे तो उनको तो क्या हुआ, ताले तोड़े तो फिर ताले, फिर वहाँ से यहाँ निकल के यहाँ ताला तोड़ने लगे। एक हथौड़ा निकाले, एक फार, उससे धड़ाधड़ मार रहे हैं। बोला खड़े रहे, हम खड़े रहे वहाँ, तोड़ ताड़ के पूरे रजिस्टर निकाले वहाँ से। और अध्यापक रजिस्टर पूछ रहे थे, हम कहें हम काजे नहीं है। और फिर उसके बाद ये लैपटॉप दुनिया है सब पूरे कागजात यहाँ बटोर लिख के गाड़ी मिला देते रहे। भोला हमसे कहते ये क्या हो रहा, हम कहें देखते रहिए क्या हो रहा, हम काजे नहीं का करें तो मारबो करें। ये कहते हम ये साला नहीं, ये अच्छा भाई नहीं बताएगा। ऐसा करो तुम्हारी उम्र 60 साल हो गई, तो हमको एक नोटिस दीजिए और हम उसको आपको तो रिटायर कर दें। तो हम कहें ठीक। वो लोग बाहर चले गए, जब तक हमारे प्रधानाचार्य आ गए। सारे रजिस्टर वहाँ से निकाल के ले गए, यहाँ से लैपटॉप ले गए, सारे कागज रजिस्टर के मंदिर तो गए नहीं, सारे उठा उठा के डिग्गी में ला दिया, पूरी गाड़ी फुल। तब तक हमारे प्रिंसिपल पीछे से उसका फोटो ले रहे थे। हाँ, पैसा वैसा भीतर से रहे, पैसा निकाल ले गए होंगे सर, हुआ तो हम तो देखे नहीं, पूरा सब बटोर के सब भर ले गए, तब हम कहा देखी वहाँ। पारसनाथ सिंह, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज। आज क्या हुआ है? आज जो हुआ इसकी सूचना हमें हमारे प्रधानाचार्य सुशील कुमार सिंह ने दी, तो मैं यहाँ आया। तब तक हम लोग जा चुके थे और 112 आई थी, सारी चीज़ें उन्होंने नोट की। कौन थे, क्या किया उन्होंने? कुछ बताया, संग्राम सिंह भूतपूर्व प्रबंधक, उन्होंने सारे कांड किए, अपने 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 ताले लगा दिए और जबरदस्ती हर सामान उठा ले गए। सामान में क्या क्या ले गए? लैपटॉप ले गए और जो परीक्षाएं, और अब अंदर ताला बंद है, क्या बता सकते हैं। मेरा देखे ताला खुले, तो पुलिस को सूचना दी आप लोगों? हाँ, पुलिस 112 आई थी, उन्होंने सारा चीज़ देखा है और अपनी वो थाने बुलवाया है। नाम सुशील कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज कुंदनगंज है। क्या हुआ आज? आज सर मैं घर पे था, सुबह नाश्ता कर रहा था, वह दतुनकुला कर रहा था, उतने समय मेरे विद्यालय के चपरासी ने मुझे फ़ोन किया, राम नरेश चौकीदार ने। उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि सर जल्दी आ जाइए यहाँ विद्यालय में। पूर्व प्रबंधक, आज से 4 साल पहले के प्रबंधक रहे श्री संग्राम सिंह, जिनको हमारी समिति ने उनको हटा दिया है, अब दूसरे हमारे वर्तमान प्रबंधक हैं पारसनाथ सिंह। उनका जो विवाद था वो भी कोर्ट में चल रहा है। आज 4 साल से हमारे वर्तमान प्रबंधक पारसनाथ सिंह हैं, मैं उन्हीं के संरक्षण में हमारा विद्यालय चल रहा है। और
मुझे जब सूचना मिली मैं अभी यहाँ आया तो मैंने उनको रोकने का प्रयास भी किया कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने मुझे अभद्र गालियाँ दी। क्या कर रहे थे वो? वो सर अंदर थे और गाड़ी में उनके सामान पूरा लोड था। नहीं तो क्या ताले वाले तोड़े गए? ताले सर तोड़ दिया, अपने ताले लगाए और मैंने कहा कि रुक जाइए, मैंने प्रशासन को सूचना दी है तो कहा भोंसड़ी के हट जाओ नहीं तो मैं आपको चढ़ा दूंगा। कौन कौन लोग थे उसमें? उसमें एक भोला नाम का था व्यक्ति, शेरी का ही, और एक संग्राम सिंह। क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद करते हैं? सर ये सरहंगाई है, सरासर सरहंगाई है और दबंगई के बदौलत विद्यालय पर इस मंदिर में कब्जा करना चाहते हैं, जबकि आज हमारे बच्चों की यहाँ परीक्षा भी है, यहाँ पढ़ली परीक्षा भी है, उनके भविष्य का सवाल है सर, और इंटर कॉलेज के सारे कागजात और डॉक्यूमेंट्स उठा ले गए हैं, अब हम कौन सा जवाब प्रशासन को देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संग्राम सिंह, मैं प्रबंधक सुभाष इंटर कॉलेज हूँ। क्या हुआ बवाल, क्या हो गया आज? हाँ मैं प्रबंधक हूँ, विद्यालय का कार्यभार सब देखने। तो बवाल इतना बड़ा बवाल क्यों हो गया फिर? बवाल ये यही जो सुशील सिंह अपने को प्रधानाचार्य समझता है, ये प्रधानाचार्य है नहीं, मैंने इसको कोई नियुक्ति नहीं दिया है, ये जबरन बना हुआ है। और वो जो पुराने प्रधानाचार्य आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, उनको धमका घुड़का के और सारा पैसा ये उनसे ये ले लेता था, उनको ऊप करके कि मेरा नाम लगेगा, लाखों रुपया ये खा रहा है, तो उसने त्यागपत्र दिया। कोई मामला कोर्ट में भी चल रहा क्या? हाँ कोर्ट में चल रहा है, मेरे फेवर में है, सब कुछ है।